नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आज सुबह से दिल्ली कांग्रेस की तरफ से रायसीना रोड पे हम खड़े हैं। यूथ कांग्रेस का यहाँ दफ्तर है। आज सुबह से बुलाई गई थी, संसद घेराव का कार्यक्रम था। अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से आज बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गिरफ्तारी दी है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ महिला पुलिस की भी बंदोबस्त की गई थी। बैरिगेटिंग के उस तरफ भी आरपीएफ के लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग बैरिगेटिंग पर चढ़ के आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, इस प्रदर्शन में अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। इसके बाद मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के लोग, आरपीएफ के लोग, जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ धरने पर थे, उनको वापस भेजते हुए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं आज आंदोलन में करीब करीब कई एक लोगों ने गिरफ्तारी दी है। दिग्विजय सिंह ने गिरफ्तारी दी है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन ने गिरफ्तारी दी है। ऐसे सैकड़ों लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और यहां आंदोलन में जो लोग बैरिगेटिंग पे चढ़ रहे थे, जिन लोगों ने आंदोलन में प्रदर्शन किया है, उन सबको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, दिल्ली पुलिस के लोग अब वापस जा रहे हैं यहाँ तक, वापस आंदोलनकारियों को करने के बाद, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वापस करने के बाद अब दिल्ली पुलिस की टीम वापस लौट रही है। और अब यूथ कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अपनी गिरफ्तारी देने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे गले मिल रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के नेता हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का, पुलिस प्रशासन के लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो ये आप खूबसूरत तस्वीर देखिए, आंदोलन भी हुआ, आंदोलन के बाद बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत खुशनुमा माहौल है। हालांकि मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए उधर से जब प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस धक्का मुक्की के दौरान कुछ लोग घायल भी हुए हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। ये देखिए एक यूथ कांग्रेस के नेता हैं जिनको ये दिक्कत हो रही है। चोट लगी आपको? जी भैया, चोट लगी, ऊपर से ब्रिगेड से घिस दिए नीचे, पुलिस ने खींचा, लात लात मारे और ये वाला टूट गया लग रहा है, ये हाथ नहीं उठ रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा यूथ कांग्रेस से हूँ। अपना नाम बताएं। शाहरुख खान नाम, मेरा नाम है शाहरुख खान। तो आप देख रहे थे ये शाहरुख है, शाहरुख बैरिगेट पे चढ़े थे, खींचतान में चोट लगी है। आप अपना नाम बताएं। अजीत तोंगड़, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हरियाणा से। हरियाणा से, तो आप इनकी मदद कर रहे हैं? हाँ जी, मदद कर रहा हूँ। तो युवा साथी है हमारे जी, पुलिस ने बुरी बेरहमी से इसको खींचा और पूरा कॉलर बोन स्क्रैच हो गया, तो पूरा दर्द हो रहा है और हमारे कई साथी वहाँ घायल हैं अभी, धीरे धीरे कुछ एम्बुलेंस ने गिरफ्तारी भी दी है, बहुत सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी है। तो आप देख रहे हैं, देखिए इनको भी चोट लगी है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये उंगली टूटने की बात कर रहे हैं। आप कहां से हैं? मैं पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हूं। यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी, कैसे चोट लगी? बैरिकेड पे चढ़, बैरिकेड पे शांतिपूर्ण के साथ चढ़े, उसके बाद पुलिस जिस तरह हमें धक्का धुक्की किया है, ऐसे करना नहीं चाहिए। ये डेमोक्रेटी है, ये डेमोक्रेसी देश में आंदोलन करने का अधिकार है पूरी भारत के नागरिक को। ये नागरिक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, होम मिनिस्टर, ऐसे करना नहीं चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर कांग्रेस की सरकार ने हमेशा आंदोलन करने का अधिकार दिया है, मगर भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सरकार को निंदा करता हूं और पूरी भारत की जनता कभी नरेंद्र मोदी माफ नहीं करेंगे। किसान का बिल जब तक वापस नहीं लेगा नरेंद्र मोदी, हम लोग का संग्राम चलेगा। राहुल गांधी की लीडरशिप में पूरी भारत में आंदोलन चलेगा। जय हिंद। तो आप देख रहे थे ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो चोटिल हैं, इनके पैर में चोट लगी है, बता रहे हैं कि उंगली टूटी है। क्या हम लगातार आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे थे, जब एक यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बताया कि उनका कॉलर बोन टूटने की शिकायत है, दर्द हो रहा है। देखिए उनको बांधा जा रहा है, प्रारंभिक तौर पर उनको कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें। उनके हाथ को बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। आप देखिए ये इस आंदोलन में चोट लगा है आज बैरिगेटिंग से, जैसा ये बता रहे थे कि बैरिगेटिंग से पुलिस ने खींचा, उसके बाद इनको इनके साथ धक्का मुक्की की गई, पैर हाथ से पुलिस ने मारा है। हमने भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपाधापी मची थी, पुलिस के लोग कैसे खींच रहे थे बैरिगेटिंग से और नीचे गिरा रहे थे, उन पर
ज्यादती की जा रही थी। हालांकि लोगों ने भी कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण था, इस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, दिल्ली।